नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा कवर। किसानों की संपत्ति नहीं होगी नीलाम। पोल्ट्री बिजनेस के लिए लोन और टैक्स में भारी छूट। धान, गेहूं और आलू की बेहतर खेती करने पर मिलेंगे 50,000। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसान व अन्य लोग सालाना 12 रूपये का प्रीमियम भरकर यानी हर महीने 1 रूपये जमा करके एक साल में 2 लाख का बीमा कवर ले सकते हैं। योजना में बीमा करवाने वाले धारक की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूरी तरीके से विकलांग हो जाता है तो विकलांग को या मृतक के परिवार को 2 लाख रूपये का बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं अगर बीमा धारक आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 साल के बीच होना चाहिए। आप वेबसाइट jansuraksha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं टोल फ्री नंबर 1800180111111 पर संपर्क कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार कर्ज चुकाने में देरी होने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती या नीलामी को रोकने के लिए कानून लाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में किसानों की संपत्ति जब्त करने या उनकी संपत्ति की नीलामी के बजाय उन्हें कर्ज चुकाने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। सहकारिता विभाग व अन्य विभागों को इस संबंध में पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक की तरह सोचने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों का आजमाने और व्यापक कृषि अपनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 जारी कर दी है। इसके तहत 5 सालों में 700 पोल्ट्री यूनिट स्थापित करने और प्रतिदिन 1.90 लाख अंडा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। इससे लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुर्गी पालकों, किसानों व अन्य लोगों को कमर्शियल लेयर फार्म स्थापित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हर साल 1.72 करोड़ ब्रॉयलर चूजों के उत्पादन के लिए ब्रॉयलर पैरेंट फार्म भी बनाए जाएंगे। नीति के तहत पोल्ट्री यूनिट लगाने के लिए लाभार्थियों को बैंक लोन पर 60 महीने के लिए ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। इसकी भरपाई 30% मार्जिन मनी और बाकी 70% लोन के जरिए की जाएगी। इसके अलावा अगर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लाभार्थी कम लोन लेता है तो 7% छूट या निर्धारित ब्याज दरों में कमी के बाद अदायगी की जा सकेगी। बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं, धान और आलू की बेहतरीन खेती करने पर किसान श्री, किसान गौरव और किसान श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित करेगी। इसके लिए जिले व राज्य स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योजना के तहत किसान श्री के लिए किसानों को 10,000 दिए जाएंगे। किसान गौरव सम्मान के लिए 25,000 व प्रशंसा पत्र मिलेगा, जबकि राज्य स्तर के लिए चयनित किसान को 50,000 रूपये व प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इच्छुक किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।